पावरफुल चिपसेट एक्सोनोस 2100 चिपसेट और एएमडी का पावरफुल जीपीयू का सपोर्ट इस फोन में देखने को मिले। और कैमरा के बारे में बात किया जाए तो 108 मेगापिक्सल का सबसे पावरफुल सबसे लार्ज कैमरा सेंसर हमें सैमसंग की ओर से इस बार हमें देखने को मिले और भी काफी सारी फीचर्स हमें इस फोन में देखने को मिले। और गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन की सक्सेसर गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन की स्ट्रॉन्ग लीक यहाँ पर सामने आ चुका है। गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन में ओलंपस ब्रांड का 200 मेगापिक्सल का लार्ज सेंसर इस बार हमें देखने को मिलेगा। बाकी स्मार्टफोन ब्रांड की तरह ही कैमरा ब्रांड के साथ सैमसंग पार्टनरशिप करने वाला है, जो कि खुद ही सैमसंग ट्विटर पे कंफर्म कर दिया है, जहां पे और भी बेटर ऑप्टिमाइज्ड फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ यहां पर मिल पाएगा। लीक्स के अकॉर्डिंग सैमसंग का अपना ऑप्टिकल जूम का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ने वाला है, क्योंकि ऑप्टिकल जूम रेंज इस बार गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन में और भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। लीक्स की माने तो अपकमिंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन में अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, जो कि सबसे पहले Xiaomi इंट्रोड्यूस किया था। और आपको बताया था कि रिसेंटली पता चला है कि 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस बार सैमसंग लेकर के आने वाला है और कन्फर्म है कि इसी फोन में सबसे पहले 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। लीक्स के माने तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अपकमिंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन में इस बार हमें एस पेन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इस फोन के साथ एस पेन का सपोर्ट आता है तो डेफिनेटली बहुत सारा न्यू एस पेन का फीचर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रिसेंटली नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें देखने को मिले थे। तो मेरे हिसाब से अपकमिंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन में काफी सारे न्यू फीचर्स हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग अगर इस फोन के लिए इंटरेस्टेड हो तो जरूर इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे, क्योंकि इस वीडियो में इस फोन की फुल स्पेक्स, प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का एक डायनेमिक एमोलेड 2K डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, साथ ही HDR 10 प्लस का सपोर्ट और 1500 निट्स का पीक बैटरी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें और एक न्यू फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा यहाँ पर होने वाला है, तो इस फोन में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी हमें ये फोन दो चिपसेट के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। इंटरनेशनली ये फोन हमें एक्सोनोस 2100 के साथ ये फोन हमें देखने को मिल जाएगा और चाइना और यूएस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रो के साथ ये फोन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इंटरनेशनली एक्सोनोस 2100 के साथ ये चिपसेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और चाइना और यूएस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रो के साथ ये फोन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गेमिंग के बारे में बात किया जाए तो काफी अल्ट्रा लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ये फोन यहाँ पर देने वाला है। और गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें 16GB तक यहाँ पर अप टू रैम देखने को मिल जाएगा। और बात करें इस फोन की कैमरा के बारे में तो लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें ओलंपस ब्रांड का यहाँ पर सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि 200 मेगापिक्सल का यहाँ पर होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इस फोन की कैमरा में हमें बहुत ज्यादा जूम रेंज हमें देखने को मिल जाएगा। और बात कर जाए फ्रंट कैमरा के बारे में तो 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस बार हमें काफी अच्छी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और बात करें फोन की